नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, आज अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की DSSB की कर रहे हैं, NVS की या KVS की कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए बात करें, ये जो सेकंड यूनिट है आपके, सेकंड यूनिट जो है सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट आपके लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है दोस्तों। यहाँ से जो है एग्ज़ाम के लिए आपके क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम से यहाँ से जो अपन बात करें, जिस स्टूडेंट की जो सेकंड यूनिट क्लियर है, ठीक है, जिस स्टूडेंट की सेकंड यूनिट क्लियर है तो उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना आसान होता है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं दोस्तों कि जिस स्टूडेंट की सेकंड यूनिट क्लियर है उस स्टूडेंट का सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो दोस्तों अपन जब आज सेकंड यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर दोस्तों अपन बात करें जो सेकंड यूनिट की, अपन थोड़ी सी अपन बेसिक से अपन बात कर लें। देखो सेकंड यूनिट का जो पूरा नाम क्या है आपका, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगी, ठीक है। जो सेकंड यूनिट का नाम क्या है दोस्तों आपकी, सेकंड यूनिट का नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ठीक है। पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण इसका टॉपिक का नाम है। तो दोस्तों कॉपी पे डालोगे, ऊपर डालोगे यूनिट सेकंड, ठीक है, पर जो कॉपी पर आप डालोगे दोस्तों आज डालोगे यूनिट सेकंड, ठीक है। और यूनिट सेकंड दोस्तों डालने के बाद की अपन बात करें, यूनिट सेकंड डालोगे यहाँ पर दोस्तों डालोगे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, नीचे दोस्तों लिखोगे पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करें जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन बात करें DSSB के लिए दोस्तों अपन अलग से अपन बात करेंगे इसकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन की दोस्तों अपन बात करें, यहाँ पर दो पद्धतियाँ हैं आपकी क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण पद्धतियाँ दो है, एक तो डबल सी है और एक कौन सी है, DDC, ठीक है। इसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये दोस्तों एक तो आप पढ़ोगे, एक तो कोलन क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों अपन बात करें, दूसरी का नाम क्या है आपका डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दो यहाँ पर पद्धतियाँ हैं, एक तो दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन है और दूसरी कौन सी है दोस्तों आपकी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जब दोस्तों अपन इसको पढ़ेंगे डबल सी कोलन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा डबल सी बोलूँगा, ठीक है। डीवी डेसिमल क्लासिक को दोस्तों अपन बात करेंगे DDC के नाम से प्राप्त करेंगे, ठीक है, DDC के नाम से इसकी बात करेंगे, ठीक है। जो कैटलॉगिंग है दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो कैटलॉगिंग आपके दो पद्धतियाँ हैं यहाँ पर आपकी, एक तो दोस्तों CCC है, ठीक है, और एक कौन सी दोस्तों यहाँ पर आपकी AECR 2 है, ठीक है। एक तो कौन सी यहाँ पर CCC है और एक कौन सी आपकी AECR 2। देखो CCC और AECR 2 की दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, CCC का दोस्तों नाम पूरा आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। AECR 2 की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, इसका जो पूरा नाम आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और ये कौन सी आपकी सेकंड है, ठीक है। लाइब्रेरी अपन बात करें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सेकंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपन बात करें यहाँ पर दो पद्धतियाँ हैं यहाँ पर आपकी, वर्गीकरण और सूचीकरण। वर्गीकरण में दोस्तों अपन पढ़ेंगे कोलन क्लासिफिकेशन और डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन की दोस्तों अपन बात करें, इसके जो निर्माता है डॉक्टर SR रंगनाथन क्या है, इसके निर्माता है कोलन क्लासिफिकेशन का जो निर्माता है वह कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन निर्माता है, ठीक है, जो भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाई, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। डीवी डेसिमल की दोस्तों अपन बात करें DDC की, ये विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति है, क्या है वो आपकी, विश्व की वर्गीकरण पद्धति है। एग्जाम में पूछे विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति का निर्माता कौन है, तो मेलविल डेवी, और उस पद्धति का नाम क्या है दोस्तों आपकी, तो उस पद्धति का नाम है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया। दूसरी है अपन बात करें कैटलॉगिंग की, बात करें CCC, CCC का दोस्तों पूरा नाम है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वर्गीकरण सूची संहिता। दोस्तों जब अपन इसको पढ़ेंगे CCC को अपन पढ़ेंगे तो CCC को दोस्तों अपन बात करेंगे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के नाम से इसको बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। AECR 2 की दोस्तों अपन बात करें, इसे क्या कहते हैं अपन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है, सेकंड।
आपके जो सिलेबस में है वो सेकंड है। अगर अपन बात करें इसका संस्करण की बात करें, इसका जो संस्करण है दोस्तों आपके है सिलेबस में है, ये एडिशन नंबर आपका एडिशन पाँच संस्करण पाँच है जो कि 1964 में आता है। ये दोस्तों जो पढ़ोगे आप ये 1978 पढ़ोगे, ठीक है। इसका भी दोस्तों आप रिवाइज एडिशन पढ़ोगे, कौन सा पढ़ोगे इसका भी आप रिवाइज एडिशन पढ़ोगे, ठीक है। रिवाइज एडिशन में दोस्तों अपन बात करें वो कौन सा पढ़ोगे आप 1988 का, ठीक है। इसमें दोस्तों आप जो पढ़ोगे इसमें आप 19th एडिशन पढ़ोगे, 19वां संस्करण आप पढ़ोगे, ठीक है। ये दोस्तों 19वां संस्करण आपका 1979 में आता है, ठीक है। एक जो पढ़ोगे कोलन क्लासिक में दोस्तों अपन बात करें, कोलन क्लासिक में दोस्तों अपन बात करें तो इसका जो पढ़ोगे आप 6th रिवाइज एडिशन, कौन सा पढ़ोगे दोस्तों आप इसका जो एडिशन पढ़ोगे 6th रिवाइज एडिशन पढ़ोगे, ठीक है। 6th रिवाइज एडिशन के दोस्तों अपन बात करते हैं, जो 6th एडिशन तो अपन बात करें कब आता है आपका 6th एडिशन, तो 6th एडिशन तो दोस्तों आपका जो आता है ये आता है 1960 में आता है, ठीक है। और रिवाइज की अपन बात करें पुनः मुद्रित संस्करण आता है, पुनः मुद्रित संस्करण आता है 1963 में आता है। इसमें क्या होता है दो बार संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, एक तो दोस्तों अपन बात करें 1964 में और दूसरा 1969 में, 64 और 68, ठीक है। इसमें क्या होता है रिवाइज एडिशन आता है, पुनः मुद्रित संस्करण आता है, पुनः मुद्रित संस्करण दो बार संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं 1964 और 69। ये दोस्तों अपन संस्करण अपन पढ़ेंगे। देखो अपन बात करें, अगर अपन बात करें कोलन क्लासिक में, कोलन क्लासिक में जो 6th एडिशन आया है, ये कोलन क्लासिक में 6th एडिशन दोस्तों कब आता है आपका, ये 1963 में आता है। और इसके संपादक कौन थे दोस्तों आपके SR रंगनाथन, इसके संपादक कौन थे आपके, इसके संपादक थे आपके SR रंगनाथन संपादक थे, ठीक है। डीवी डेसिमल का दोस्तों अपन जो बात करें 1900 संस्करण आता है, ये संस्करण आता है इसके आपके बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों आपके बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा आता है, ठीक है। इस 1900 संस्करण में अपन बात करें जो DDC में दोस्तों अपन बात करें DDC के पेज की अपन बात करते हैं, किसकी बात करें DDC के पेज की बात करते हैं, तो दोस्तों DDC के जो पेज है 3385 थे, ठीक है। इसकी दोस्तों अपन बात करें 6th एडिशन की अपन बात करते हैं, CCC के पेज की अपन बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके 450 पेज है, ठीक है। कितने पेज है 450 पेज। इसके दोस्तों अपन बात करते हैं अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें इसका जो संस्करण पढ़ोगे आप 5th एडिशन पढ़ोगे और इसके निर्माता संपादक कौन थे SR रंगनाथन, इसके संपादक जो दोस्तों थे आपके थे SR रंगनाथन। और इनके सहायक की बात करें तो सहायक कौन थे आपके दोस्तों ए नील मेगन, ठीक है। अभी यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी आपका बन के आया, इंपॉर्टेंट भी है। तो 6th आपका अपन बात करें सॉरी जो CCC है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसका 5वां संस्करण पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां संस्करण, इसके संपादक कौन है SR रंगनाथन और इसके सहायक कौन है आपका ए नील मेगन, ठीक है। ये दोस्तों अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की अपन बात करें, इसकी बात करें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात करें, इसके अपन 1978 में दोस्तों इसको 6 संस्थाओं ने इसको निर्मित किया, कितने संस्थाओं निर्मित किया आपके 6 संस्थाओं निर्मित किया वो अपन पढ़ेंगे। इसका भी दोस्तों 1978 में जो एडिशन है इसका भी अपन बात करें, इसका रिवाइज एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो दोस्तों अपन बेसिक्स ही अपन बात की, ऐसा नहीं कि अपन इसको स्टार्ट किया, बिल्कुल केवल और केवल अपन बेसिक्स ही बात की, अपन कौन कौन से सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से दोस्तों अपन बात करें, ये जो यूनिट आपके हैं जो आपके सेकेंड यूनिट आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वादा करता हूं आपसे, अगर आप यहां पर मन लगा के पढ़ोगे आप, ठीक है, अपना कौन अपना जो आपका जो मन लगाकर पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है, अगर यहां पर आपके दोस्तों आप यहां मन लगाकर यहां पर आपकी यहां पर जो अपने कॉन्फिडेंस, ठीक है, यहां पर आप ध्यान लगाकर उसको पढ़ रहे हो तो ये गारंटी है श्योर दोस्तों आपको सेकेंड यूनिट की आपको दोस्तों यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे दोस्तों अपन बात करें, आपको जो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों आपको ये कोलन क्लासिफिकेशन खरीदनी है, ठीक है, ये कोलन क्लासिफिकेशन खरीदनी है। जिस स्टूडेंट्स ने खरीदा नहीं है, ठीक है, वो खरीद ले, ठीक है। सेकंड में दोस्तों आज से स्टार्ट हो गई आपकी बात करें, ठीक है, जो कोलन क्लासिफिकेशन 6th रिवाइज एडिशन पढ़ेंगे ये इस नाम से ये पढ़ेंगे 6th रिवाइज एडिशन, ठीक है, जिसके अपन बात करें 6th एडिशन आ गया, ठीक है। इसके निर्माता कौन है आपके SR रंगनाथन निर्माता है, ठीक है। जिसको दोस्तों अपन पब्लिशर की बात करें, पब्लिश की बात करें ESS पब्लिकेशन ने इसका पब्लिशिंग किया और दोस्तों इसके जो पूर्ण अधिकार किसके पास है वो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर के पास क्या है, इसके पूर्ण अधिकार है, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोस्तों आपके पास कोलन क्लासिक होनी चाहिए, इसके बिना दोस्तों अपन एक भी टॉपिक समझ नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये। अगर जिस स्टूडेंट्स को समझना है, जिस स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, मैं दोस्तों आपका मोटिवेशन डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी अपन रियलिटी की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर रियलिटी की बात करें, जिस स्टूडेंट के पास कोलन क्लासिफिकेशन है नहीं है वो परचेज कर ली, जिसके पास है बहुत ही बढ़िया बात है,
ठीक है। इसमें दोस्तों अपन बात करें क्या करना है क्या नहीं करना। 2.4 पेज पर दोस्तों आपको मेन क्लास दी गई है वो याद करनी है, ठीक है। 2.5 और 6 पर कॉमन आइसोलेट दिए गए वो याद करनी है। 2.4, 2.5 और 2.6 वो दोस्तों आपको याद करनी है, मेन क्लास आपको याद ही करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में अपन बेसिक से बात कर ली, ठीक है। अगली अपन क्लास में अपन प्रारंभ करेंगे अपन वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण क्या होता है, किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बारे में दोस्तों अपन अंकन की बात करें, धीरे 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 अपन पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों जो ये ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए हैं, सेकंड वन आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाली है, ठीक है। अगर दोस्तों नहीं समझ में आती है, कमेंट्स आपको मैसेज कर सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज दोस्तों आप जो करोगे SLC क्लासेस का जो ऐप है उसी के ऐप के माध्यम से आप मैसेज करोगे या फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन आपके सामने स्क्रीन के सामने नंबर दिए गए, इस पर फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगली क्लास में अपन मिलते हैं, केवल और केवल बेसिक तरीके से अपन बात करेंगे इसके, ठीक है। वर्गीकरण की अपन प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप ऐसा करता हूँ, इसको आप जिस स्टूडेंट के पास नहीं है इसको खरीदोगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाऊंगा आपको, वो दोस्तों आपको एक एक चीज़ उतारनी है, ठीक है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। और इसके अलावा दोस्तों अपन बात करूँ, आज से अपन जो आपके थर्ड यूनिट जो कंप्लीट हो चुके थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड यूनिट के दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट डाल दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रारंभ कर दो, एक बार दोस्तों इसको उतारोगे उसके बाद में क्लास को समाप्त करोगे।